प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि देश में जैसे आज़ादी के समय एक समय में ही इलेक्शन सब होते थे, कुछ वर्षों तक चलते रहे लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसमें से परंपरा टूटी, फिर से देश में वन नेशन वन इलेक्शन करके अगर आता है तो बहुत बड़े लाभ इसके होने वाले हैं। इसके लिए मैंने उसका स्वागत किया है और मैंने अपनी बाइट भी दी है। अब चुनाव एक साथ होंगे कि नहीं होंगे ये काम चुनाव आयोग का है, अगर चुनाव आयोग एक साथ भी करता तो हम उसके लिए तैयार हैं। सीएम साहब, एक तरफ आपने कई सारी जो समस्या है वो ग्रीवेंस में खत्म कर दी है, दूसरी तरफ बड़ी सौगात फरीदाबाद को दी है करोड़ रुपए की, क्या सौगात है, कितना फायदा मिलेगा? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं परंतु शहर के अंदर अवैध कॉलोनियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, आपने कहा था कि जो पुरानी है उन्हें पक्की करने के बाद अगली कॉलोनियों पर रोक लगेगी, बावजूद इससे फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों की भरमार लग रही है, डीटीपी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक कॉलोनियों का पिछली कॉलोनियों का वैध करने का विषय, हमने पिछले दिनों में 450 कॉलोनियाँ वैध की हैं और भी 1800 कॉलोनियाँ लगभग पूरे प्रदेश की ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो कई सालों पहले बनी भी हैं और पिछले साल तक भी बनी होंगी, लेकिन उसमें अब जब सारी कॉलोनी बनती है वो गरीब आदमी के भी मकान बहुत होते हैं, उसको सबको तोड़ना तो उस समय संभव नहीं था। हमने उसके बाद ये ज़रूर किया है कि नए रूल्स के हिसाब से अब एग्रीकल्चर लैंड को एक एकड़ से नीचे केवल एग्रीकल्चर के लिए तो रजिस्ट्री हो सकती है लेकिन अनऑथराइज तरीके से बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी, हमने सारे हरियाणा में लागू किया है, जिसके बारे में कुछ लोगों ने एतराज़ भी कि हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। हमने यही कहा कि पहले वाली कॉलोनियाँ हैं वो अप्रूव होने के बाद रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी लेकिन नई कोई कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं होगी। फिर भी आप जो कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी ना कहीं होती हैं, आप हमको थोड़ा सा किसी भी माध्यम से संकेत करिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर करिए, हमारे मंत्री जो करिए, हमें जानकारी मिलते ही ऐसी नई कॉलोनी जो है बनने के लिए बिल्कुल हम रोकेंगे, कोई कॉलोनी नहीं बनने देंगे। हाँ, गरीब आदमियों को मकान मिले इसके लिए हमने प्लानिंग भी बनाई है। अभी हमारे पास जो हमारा बोर्ड था हाउसिंग बोर्ड के अंदर लगभग 8,500 मकान बताया थे, वो 8,500 मकान जो पड़े हैं गरीब आदमियों के लिए ही हैं, उसके लिए बहुत जल्दी एक योजना बना करके हम एडवर्टाइजमेंट देने वाले हैं, जो लोग उसके अंदर इच्छुक होंगे लेने के लिए उसको ले लेंगे। और नए मकान लगभग 1,00,000 नए मकान ये भी HSVP विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाएगी, जो भी उसमें गरीब लोगों के अंतर्गत पात्र होंगे या जो उसको पहले खरीद सकेंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे, हम तो गरीब आदमी के सिर पर छत जरूर हो इस नाते से ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।